ट्रांसपोर्टेशन अगर आपका काम नहीं करेगा ना भाई तो काम लग जाएगा ये सुन लेना कैसे कमाई होगी भाई आप कहते तो ट्रांसपोर्टेशन में धंधा अच्छा पीछे लग गए पुलिस वाले हाँ। ट्रक ओनर रात एक दिन जो घर छोड़ता है तो भाई महीना भर में या चौनी चोट गाड़ी है जो गई ना मैं बोल रहा हूँ गलत लेकिन वैल्यू तो ही नहीं अपनी यार ऐसा लगता है सा में फंस गया तू तू क्यों क्यों से गाड़ी की मेरे दिल का हाल के मैं कितना परेशान हूँ इंसान इंसान में यूनियन नहीं है तो गाड़ी घोड़े में कैसे बिजनेस में तो हो ही नहीं सकती जो लोग जिनकी पीढ़ियां निकल गई इस काम में जैसे हेलो वेलकम माय चैनल ड्राइव में guys, channel, guys, आज का जो वीडियो थोड़ा सेंसिटिव टाइप का वीडियो मान लो आप ये हमारे शाहेब भाई हैं शाहजेब भाई ने मुझसे खुद ने बोला कि आपकी कार आप यहाँ खड़ी करो मैं कुछ बोलना भी चाहता हूँ मतलब मैं ट्रांसपोर्ट जो सेगमेंट है जो आपके लिए लेके आया हूँ कॉमर्शियल वाला इसमें अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ शाजेब भाई आप भी सुनना है भाई शाहेब भाई खुद जानते हैं हम दोनों साथ में भी रहते हैं मेरे अच्छे दोस्त भी है आप लोग इतना बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोगों का इतना आप पसंद कर रहे हो मेरे कॉमर्शियल सेगमेंट को कि भाई इंस्टाग्राम पर मैसेज है और उस पर यूट्यूब पर कमेंट है कि भाई सिर्फ कॉमर्शियल सेगमेंट की ही वीडियो बनाओ भाई मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर रोज ला

तो अभी हमारा जो वीडियो है कल ही मैं शादेफ भाई के साथ गया था मैंने आपको सारे एक्सपीरियंस शेयर किया कि ये गाड़ी पे जाना मतलब शादेब भाई बहुत से लोगों के इतने कमेंट आए कि भाई आपने तीस किलोमीटर गाड़ी चलाई और साढ़े तीन सौ रुपये में आप गाड़ी लेके आ गए भाई यही तो वजह है भाई यही तो वजह है सबसे सब बड़ी मैं आपको भाई अगर बुरा लगे बात मेरा बोलना तो उसके लिए मैं माफ़ कर देना मुझे लेकिन मैं सही बोलूँगा भाई भाई उसमें ये ये गाड़ियाँ हैं भाला मेरा समझ में ही नहीं आ रहा कि बैटरी वाली जो गाड़ी आ गई है अभी तो मैं पता होगा बैटरी लोडिंग निकाल जी जी ये गाड़ी उस रेट में तो नहीं पुरेगी भाई आपको मालूम है जी वो सारा चार्जिंग पे चल रही है जी दो तो, पाँच किलोमीटर का भी अगर भाड़ा है इस गाड़ी का बनता भाई साढ़े तीन सौ रुपये का पाँच किलोमीटर का पाँच दूनी दस का भला एक बात बता रहा हूँ आप मार्केट को लेके चल रहा है वो सला दो सौ रुपये में डेढ़ सौ रुपये में लेके जा रहा है गाड़ी तो ये कैसे चलेगी भाई तो हमें तो मार्केट का डाउन करना पड़ेगा ना रेट बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं भाई रेट तो डाउन इतना ही करना पड़ेगा ना कि साला जो डेढ़ सौ रुपये में भाड़ा पटक रिया है और भाई जो पाँच क्विंटल वेट उठा के ले जा रही है वो आप ये बताओ मुझे पाँच कुंटल ये मोटरसाइकिल खर्चे में वो गाड़ी चल रही है मोटरसाइकिल भी अगर पाँच दूनी दस किलोमीटर जा रही है तो ये मान के चलो पचास से साठ रुपए अभी के एवरेज के लिए साठ रुपए सत्तर रुपए का पेट्रोल ले रही है वो जी ठीक है वो साला फ्री में चल रही है जिसमें डेढ़ सौ रुपये में भाड़ा पटक रहा हूँ अच्छा तो हम लोग ने तो ये लेके गलती कर दी भाई लगता है ऐसा मुझे मेरी राय तो ये है कि या तो वो गाड़ियां बंद करो या फिर इन गाड़ियों को बंद करो कि ताकि नहीं ले कोई और दूसरी चीज ये हर कोई गाड़ी ले ले रहा है भाई हर कोई गाड़ी ले रहा है यार मेरा समझ में ही नहीं आ रही है कचरा कर दिया मोटरसाइकिल जैसी हर गाड़ी में गाड़ी हो गई है लोडिंग बिल्कुल सही बात बोल रहे शाहिद भाई आप शाहिद भाई एक बात और जैसे मेरे पास कमेंट में एक चीज आई थी जैसे कुछ भाइयों ने कमेंट करा था कि यार गाड़ियों का प्रोडक्शन इतना ज्यादा कर दिया है इतना ज्यादा कर दिया गाड़ी का प्रोडक्शन कम करें या तो भाई एक सिलेक्टेड लोगों को गाड़ी दी जाए मैं कह रहा हूं अभी भी जो लोग जिनकी पीढ़ियां निकल गई इस काम में जैसे मैं भाई मेरा वीडियो खैर भाई बता देंगे आपने पहले ही बताया होगा भाई ने वीडियो डाला हुआ है मेरे पास महिंद्रा जीतो भी थी महिंद्रा पिकअप भी थी इससे पहले दो जीतो भी थी मेरे पास तो भाई ये मेरा एक पुरखों का काम हो गया मेरे कुल मिला के जी एक गाड़ी मेरा काम ज्यादा निकल रही जीतो तो उसकी जगह मैंने ये ले ली हालांकि वो जीतो भी है मेरे पास जी तो भाई ये मेरा एक सिलेक्टेड काम हो गया पीढ़ी वाला काम हो गया मतलब मेरा बिजनेस ही घर इससे चल रही है मतलब शाहिद भाई एक चीज पूछना चाहूंगा मैं आपसे जैसे आप पहले भी चलाते थे पिकअप से ही आपका पूरा बैकग्राउंड रहा है तो पहले आपकी गाड़ियाँ चलती थी बिल्कुल चलती थी मार्केट में ये गाड़िया नहीं थी ना भाई चवन्नी चोट गाड़ियाँ जो आ गई ना मैं बोल रहा हूँ गलत लेकिन आपको लगना नहीं चाहिए उस बारे में बोरे जो भाई मोटरसाइकिल खर्चे में गाड़िया चल रही है आगे गलत तो हो ना ये अच्छा तो इनका कोई ऐसा यूनियन नहीं होता भाई आप लोगों का जैसे आप ले जाते हो तो एक भाड़ा सेट नहीं होता कि दूर जाएंगे तो कोई भी लोडिंग गाड़ी हो चाहे वो सी हो चाहे पेट्रोल डीजल चाहे इलेक्ट्रिक हो वो एक ही भाड़ा ले भाई यूनियन तो किसी चीज में नहीं है इंसान इंसान में यूनियन नहीं है तो गाड़ी घोड़े में कैसे बिजनेस में तो हो ही नहीं सकती भाई मिसाल के तौर पे एक बात बता रहा हूँ आपको अभी आप अच्छी फर्नीचर डाल के एक शानदार गवर्नमेंट मतलब कपड़े की दुकान डाल लो आपकी चलती भी नजर आएगी ना अगला किराए से लेके भले वो दस पंद्रह हजार रुपए खर्च कर दे किराए में लेके महीने के लेकिन डाल के बैठेगा और वो भी घर का इंसान बाहर का तो बात की तो ये है भाई कि अगला अगर मुझसे पता चल गया तीन सौ में ले जाए साढ़े तीन सौ में ले जा रही है तो उसे चुपचा के मुझसे हाँ साढ़े तीन सौ में ले जा रहा हूँ चुपचाप ले जाके तीन सौ में छोड़ी जाएगा ये कहानी है देखिए ये बात से मैं शाहिब भाई की थोड़ा एग्री करूंगा क्योंकि कल मैंने पूरा दिन गुजारा शाहिब भाई के साथ मतलब हम लोग इतनी मेहनत से गांव में गए थे गोदरेज जो उतारनी थी आ, वो वीडियो मैंने डाला आप देख सकते हो वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मतलब तीस किलोमीटर शाहिद भाई आए गए और साढ़े तीन सौ रुपए लिए जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि यार सौ डेढ़ सौ रुपए की तो सी एन चल गई मतलब तीस किलोमीटर के सिर्फ डेढ़ सौ दो सौ रुपए खुद मैं चलाने वाला हूँ भाई इसलिए मैं खुद चलाने वाला हूँ ड्राइवर रखता हूँ अगर मान लो आपको लग रही है मैं खुद चलाता हूँ मैं चाहूँ तो ड्राइवर रख भी सकता हूँ लेकिन किस कंडीशन पर रखूंगा भाई किस कंडीशन में रखूंगा जब मेरा डेढ़ सौ रुपये मुझे खुद ही बेच रहा है डेढ़ दो सौ रुपये तो भाई मेरा खुद का खर्चा निकालूंगा इसकी सर्विसिंग भी है टायर भी है बहुत मेंटेनेंस होता है इन गाड़ियों में बहुत ज्यादा मेंटेन होता है इन गाड़ियों का इस बात में मैं एक बात और मैं भी कहना चाहूंगा भाई लोग आपसे कि जो भाई ने बोला ना कि यार लिमिटेड लोगों को गाड़ी दी जाए मतलब गाड़ी तो देखिए बेचने के लिए होती कंपनी भी अपना फ़ायदा देखती है लेकिन मैंने खुद ने ये चीज़ देखी है भाई वो वो गाड़ी चलाना है जिनके पास लाइसेंस नहीं है है जैसे कोई दुकान वाला है उसको चाहिए तो वो लोडिंग की जरूरत नहीं रखता उसके बाद पैसा गाड़ी उठा के ले आता है उससे काम करने लगता है तो कहीं ना कहीं एक चीजों को बैलेंस करके चलना चाहिए ताकि इन लोगों को भी फायदा होना शाहेद भाई ने ये गाड़ी मतलब आपने कितने की कितने की फाइनेंस के लिए भाई अभी क्या हाल पाँच है पांच लाख पंद्रह हजार रुपए गाड़ी ली मैंने फाइनेंस कराया वो पड़ जाएगी साढ़े छह लाख रुपए में फाइनेंस क्लियर करने के बाद अभी कितनी किस्त वो तो दस हजार महीने किस्त है पांच किस्त है अच्छा और ये बॉडी बनवाई है भाई तीस हजार रूपए की सीएन अलग से लगवाया सी गाड़ी लेता तो छह लाख बीस हजार की पड़ती और ज्यादा एक लाख रुपए और ज्यादा हो जाते तो किस्तें कैसे निकल रही है तो सिर्फ रीजन यही है रीजन भाई मैं बता रहा हूँ मेरे दिल का हाल के मैं कितना परेशान हूँ लेके गलती कर दी लगता है मार्केट मुझे मालूम था कि मुझे यकीन था चलेगी भाई लेकिन अभी मार्केट में नई नई गाड़ी आ गई हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है भाई वो गाड़िया चला रहा है क्या है भाई अभी मैं इसे लेके जाऊंगा साला पचास मुझे चेक कराना पड़ेंगे पेपर जबकि लाइसेंस लेके चल रहा मैं उसके बाद मुझे पेपर वगैरह सब कराना पड़ेंगे चेक अच्छा समझ में आई आपके उसके बाद भी साला साला वो हर कोई लेके गाड़िया चला रही है जिसके पास लाइसेंस नहीं है अभी मैं गारंटी लेके बहुत सारी गाड़ियां बता सकता हूँ लेकिन कोई मतलब नहीं है भाई उनके चल रही है रोजी चल रही है अपन ये नहीं कर रहा कि वो गलत कमा रहा है लेकिन ये क्यों है हमारा तो काम बिगड़ गया ना भाई ट्रांसपोर्टेशन जो चला रहा है भाई उनके लिए कह रहा हूँ उनके लिए बात सहमत हो तो भाई कमेंट जरूर करिएगा मेरी बात को लेके अच्छा एक बात और बता दो हमारे शाहिब भाई क्या है ये यूट्यूबर भी हैं जैसे फ़नी वीडियोस तो बनाते हैं बहुत मजाक का इंसान भी है लेकिन आज उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है और मुझसे बोल भी रहे थे कि मुझे अपना गुस्सा निकालना है तो उनका एक सज्जू ऑटो व्लॉग करके भी चैनल है आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं देख सकते हैं उनकी वीडियोज़ जाके वहाँ पे और शाहेब भाई दूसरी चीज़ आप मुझे ये क्लियर करिए कि आपने जो कार मंगवाई थी कुछ चीज़ डिस्कस करना चाह रहे थे वो क्या है उसके लिए भाई मैंने ये बुलाया है ये गाड़ी है भाई और ये गाड़ी है जी ये गाड़ी की मैंने आपको रेट बताया अभी मान लो ये सात लाख छह सात लाख रुपए की पड़ जाएगी मुझे जी जी ये गाड़ी है साढ़े चार पांच लाख रुपए की आती है जी तो बंद हो गई खैर अब तो शायद हाँ। आ रही हो हाँ। पता नहीं है अपन को इस बारे में अपन तो एक मिडिल क्लास इंसान है जी या एट हंड्रेड ले लो छोटी जो गाड़ी आती है ना एट जी भाई उसमें इतनी इज्जत और इसमें इज्जत नहीं है क्यूँ बताओ आप मुझे मतलब इस गाड़ी बैठने वाले मतलब मैं चलाता हूँ तो ड्राइवर ही कह लो मुझे तो भाई मैं कोई इज्जत नहीं चाहिए ड्राइवर ही हूँ मैं ये ओनर है आप गाड़ी के ओनर है लेकिन फिर भी गाड़ी तो ओनर मेरी ही है आप चाहो हाँ। तो नंबर जो सर्च कर सकते हो मेरे नाम से जाएगी शाहेब खान के नाम से जी जी मैं खुद चलाने वाला हूँ भाई तो वैल्यू तो है नहीं अपनी यार ऐसा लगता है कि बहन एक, एक इससे एट हंड्रेड डब्बा ले लेता भाई तो मैं उससे इज्जत मिल जाती मुझे इसमें इज्जत क्यों नहीं है मतलब इस एतबार से आप क्या कहना चाह रहे हैं शाहेबा मतलब किस टाइप से मतलब कहा इज्जत दो ना इस गाड़ी में फ्री में थोड़ी ले लिए भाई साढ़े सात सात लाख रूपये की गाड़ी है जी

तो काम लग जाएगा ये सुन लेना बिल्कुल सही बात वही मैं बोलना चाह रहा था कि भाई जो ट्रांसपोर्ट है, आप देखना लॉकडाउन में सारी चीजें बंद हो गई थी लेकिन ट्रांसपोर्टेशन चालू था क्योंकि पूरा जो उधर है, जाते हैं तो ये साजिब भाई से मैं इस कि कम से कम भाई एक चीजें मतलब ऐसी प्रोवाइड करके देनी चाहिए क्योंकि देखिये एक मैं आपको दो दिन दो तीन दिन पहले का मेरे सामने का केस बताता हूँ ये गाड़ी है सुपर जी मैं जहाँ रहता हूँ कुरावर में रहता हूँ मैं और हमारे पास में लगता है पांच पचास पचपन किलोमीटर भोपाल जी और मैं राजगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ से जी कुरावर शहर से बात कर, बोल रहता हूँ मैं जी कुरावर में कम से कम और राजगढ़ जिले में मैं कह रहा हूँ गिनती की पचास गाड़ियां पचपन गाड़ियाँ तो गिन के बता सकते हो जो अबी के रेंज में उठेंगे तुरंत हाथों हाथ लिए लोगों ने जी क्यों लिए भाई इतनी गाड़ी ले रहा हूँ तो आप आप सोच रहा हो मान लो हर आदमी किसान ने मान लो ट्रैक्टर ले लिया पहले एक मिसाल वो तो एक जरूरत की चीज है की हर आदमी किसान जो है ट्रैक्टर ले रिया भाई जो बड़ा किसान है जो पहले होते थे ना जो बड़े बड़े किसान जो बीस बीस पचास पचास बीस सौ सौ बीघा जमीन हुआ करती थी वो ट्रैक्टर ले रहे थे तो एक बार समझ में आता है दो दो तीन दिन बीघा वाले लोग ट्रैक्टर लेके खड़े कर रखे और भी लोग जो पहले रेंट पे चलाते थे बखर बोनी पे चलाते थे मैं तो इनकी बात नहीं कर रहा हूँ आपको लगा मेरे खुद की बात कर रहा हूँ उनका भी कह रहा हूँ तो। उनका तो धंधा ठप हो गया ना भाई ट्रैक्टर ट्राली घर घर हो गई है जी तो ये क्यों है भाई कहा जा रही है कहा कैसे कमाई होगी भाई आप कहते हो तो ट्रांसपोर्टेशन में धंधा अच्छा ट्रक देख लो ट्रक की बेहतर हूँ मैं तो आपको भाई आईसा ट्रक का बहुत वीडियो डाले हैं भाई मैंने देखे हैं कुछ वीडियोस में साथ भी रहूंगा मैं शायद लेकिन कहने का मतलब ये है कि सिर्फ लाइसेंस हो आपके पास है भी आप घर शाम तक या सुबह तक गाड़ी खड़ी दो। लाके खड़े कर दूंगा ट्रक ला के खड़े कर सही बात है तो ये क्या है <laughs> बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात बोल रहा है जो मैं बीच में एक पॉइंट बोल रहा था ना वो ये बोल रहा था मैं भाई कि जैसे अभी मैं दो चार दिन पहले की बताऊं जैसे भोपाल गया हुआ था मैं और भी गाड़ी एस वगैरह चल रही थी और इस टाइप की एक पिकअप थी वो भी चल रही थी तो जाहिर सी बात है वो यार हालांकि सीट बेल्ट मैंने भी लगा रखा था उन्हें उन्हें भी सीट बेल्ट लगा के रख रखा था इसमें शायद भाई आप भी मेरी बात सुनिएगा लेकिन क्या है कि कार वालों को सीट बेल्ट देख के जाने दिया उनका सीट बेल्ट लगा हुआ था फिर भी उन्हें रोका फिर उनसे डॉक्यूमेंट भी निकला है उनका माल भी चेक करा कहीं... कर रहा है ना भाई, माल जब रहा है, वो पीछे और किसी का तो नहीं चोरी करके तो नहीं है। हो सकता है कार वालों को छोड़ दिया वैल्यू वाली कर रही है अपन वैल्यू नहीं ना इस गाड़ी में चलने की भाई फ्री में लिया गाड़ी उठा के कोई भी दे दी चल चला ले भैया तो ऐसा नहीं करना चाहिए बस सही और एक तरीका भी होता है जैसे देखना आप जैसे इसमें डॉक्यूमेंट मांगेंगे

भाई मैंने पीछे लग गए पुलिस वाले खूब हाँ। समझाया बताया कि इसमें कुछ नहीं है ऐसा हाँ। चेक कर लो गाड़ी खाली करने का बोल दिया मैंने भी कह दिया भाई गाड़ी सर आप गाड़ी खाली करेंगे तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी हाँ। आप चेक कर लो कोई दिक्कत नहीं खाली करने में हाँ। मंडी लेट हो गई भाई हाँ। मंडी भी लेट हो गई पूरा माल खराब हो गया तो ये कहानियां है यार भाई अब किससे कहेंगे जाके वो तो वीडियो के जरिए मैं बता रहा हूँ आपको ये बात ये चीज़ से भाई कहीं कही ना कहीं आप लोग सहमत है या नहीं ये कमेंट करके ज़रूर बताइए क्योंकि ये नहीं होना चाहिए भाई ये चीज़ गलत है यार है मतलब हर इंसान को आप एक जैसा दर्जा दो मैं तो ये कहता हूँ मतलब क्या है बल्कि सबसे ज़्यादा मेहनत का काम तो शायद भाई ये लोग करते हैं मतलब ये जो अगर ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे तो अपना काम कैसे चलेगा कैसे आप चले चीज़ें खाओगे पियोगे कैसे कैसे क्या करोगे आप ये तो सही बात है ना तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे थोड़ी सी गलत लगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए शाहबेद भाई हैं सब सब लोग चलाते हैं और मे भी मैं शाहिब भाई चलो मैं ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं चैनल पे बोल देता हूँ जैसे बहुत से लोग हैं यार मुझसे बोल देते हैं कि यार तू कार के और बाइक के रिव्यू कर रहा था तो तू ट्रक पर कहाँ चला गया यार ट्रक पर तो मतलब क्या ट्रक पर कहाँ चला गया मतलब क्या बुराई है उसमें यार रिव्यू करने में क्या बुराई है अगर मैं एक ट्रक ओनर से बात कर रहा हूँ पूरा एक्सपीरियंस ले रहा हूँ उनकी कमाई हो का क्या बुराई है ट्रक ओनर रात एक दिन जो घर छोड़ता है तो भाई महीना भर में या बिल्कुल दिन बहुत में आता है। हाँ बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत इज्जत करता हूँ उन लोगों की और मैं करता रहूंगा भाई अगर जैसे जिसको बुरा लग रहा है यार मैं क्यों करता हूँ ट्रक के रिव्यू तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ मत देखिए आप वीडियोस लेकिन मैं करूँगा क्योंकि यार एक जो हालात एक लाइफ है वो बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि जो जो ट्रक ऑनर है कैसे जीते हैं यार कैसे कमाते हैं और क्या आपको नॉलेज भी दे रहे हैं वो आपको लेना या नहीं लेना तो एक अच्छा सेगमेंट मैंने शुरू किया तो वो मैं करता रहूँगा भाई हर दूसरे तीसरे दिन कॉमर्शियल वीडियोज़ भी मेरे आते रहेंगे ताकि आपको हालात तो पता चले ताकि आपको एक्चुअल पता तो चले आपको चीज़ लेने जा रहा है तो कितनी कमाई हो रही कितना नुकसान हो रहा क्या फ़ायदा हो रहा क्या मेंटेनेंस निकल रहा है है और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोगों को आप मेरे कॉमर्शियल सेगमेंट को इतना ज़्यादा पसंद करते हो और कोशिश पूरी करूँगा मैं रोज़ वीडियो लाने की लेकिन नहीं भी ला पाया तो हर दूसरे तीसरे दिन तो वीडियो में डालूंगा ही डालूंगा तो शाहिब भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और मेरी तो दरख्वास्त है कि शाहिब भाई की कोई भी बात जैसे आपको बुरी लगी हो तो मे भी उनकी तरफ से माफ़ी चाहता हूँ लेकिन एक उन्होंने हक बात बोली है और एक जो वैल्यू वैल्यूबल बात होती है वो बात उन्होंने रखी है आप भी कहीं ना कहीं कमेंट करके बताइएगा क्या राय है आपकी इस चीज़ को लेके चाहे ये ये वाली इज़्ज़त देने वाली बात पर बोला भाई ने चाहे वो कॉमर्शियल सेगमेंट में जो इलेक्ट्रिक वगैरह से सब चल रही इस बात पर तो शाहब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका और मैं मतलब होप करता हूँ कि आपकी गाड़ी अच्छी चले भाई मतलब और आपको भाड़ा मिलता ही रहे वो तो देखो एक किस्मत वाला भी मसला है लेकिन ये है कि भाई मार्केट में अगर मार्के, रेट पीटा है किसी वजह से तो भाई मार्केट में तो अगला उसी बुलाएगा ना हर आदमी अपना फायदा देखता है बिल्कुल बिल्कुल मान लो मैं अगर पहले किसी को बुला रहा हूँ दो ढाई सौ रुपए देके उससे काम करवा रहा हूँ और अगला मुझे सौ रुपए में करके देगा तो मैं तो उसी बुलाऊंगा ना यार भाई सी बात है पहली चीज है तो यही चल रहा है किसकी चीज की यूनियन या फिर वो तो होना चाहिए क्या यूनियन नहीं बन सकती कभी जिंदगी में बता रहा हूँ क्यों नहीं एक क्योंकि एक दूसरे में कुछ वही नहीं ना आजकल ट्रम्प पहली चीज तो इतना वाहियत काम हो गया आजकल दुनिया में के एक दूसरे को एक... मोहब्बत ही नहीं है है ही नहीं बदत खत्म हो गया है ना भाई सही बात है सही बात है नहीं कहीं कही कही ना कहीं ये चीज़ इफेक्ट तो करती है और हमारे जो सब्सक्राइबर लोग हैं और जो और भी लोग देख रहे हैं बहुत अच्छे हैं भाई कमेंट करके अपनी अपनी राय जरूर बताइएगा अगेन थैंक यू सो मच साजिफ भाई तो भाई ये था हमारा वीडियो बनाने का पर्पज जो भी बात थी क्लियर एक्चुअल आपके सामने बता दी तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इसे अमेजिंग कार्स के बाइक्स के और ट्रक वगैरह सबके ऑनरशिप रिव्यूज़ और ऐसी नॉलेजेबल चीज़ें और ऐसी अच्छी चीज़ें आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो